उमक्षसृगपरशुङ्गदेशुकुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाससुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मरदनीमिः महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से, जो हम आज आपके लेकर उपस्थित हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग, योग फरवरी के मध्यकाल में कैसा रहेगा, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। और आज का विषय जो हमने आपको बताया बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ हर समय चलता रहता है, और इस परिवर्तन का योग प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा वो ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के स्वामी जो हैं वो हैं मंगल, और मंगल इस वक्त उच्च राशि में विराजमान हो गए हैं, और बड़ा सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से पराक्रम भाव में बनाने वाले हैं। आइए, आप सोच समझ के कार्य करेंगे सुंदर तरीके से, तो पराक्रम से आपको लाभ प्राप्ति के योग भी बना सकते हैं। शुक्र का योग उनके साथ बनने वाला है, साथ साथ शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारे परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण हैं। कई सारे ग्रहों का परिवर्तन मध्यकाल में हो रहा है, इस फरवरी के मध्यकाल में बुध अस्त होकर होंगे, फिर शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शनि अस्त हो जाएंगे, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और साथ साथ फिर बुध परिवर्तन में जाएंगे। कई सुंदर योग बन रहे हैं इसमें, कई ऐसे योग बन रहे हैं कि सुंदर तरीके से उन योगों का लाभ ले लें तो आप बहुत अपने ग्रहों को स्थिति को बहुत सुंदर कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग समझ लो कि क्या कुछ होने वाला है फरवरी के मध्यकाल में आपके साथ, कैसे उन ग्रहों को लाभ आप ले सकते हैं। 10 फरवरी के दिन हम आरंभ करें तो गुप्त नवरात्रि के दिन से ही आरंभ हो रहा है। शनिवार का अवसर प्रतिपदा, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, कुंभ में चले जाएंगे चंद्रमा जो आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित होंगे, और ये बहुत सुंदर तरीके से शनि के साथ सुंदर योग बनाएंगे आपकी राशि के अनुसार से। बुध उस दिन अस्त होंगे, बुध आपकी राशि के अनुसार से समझो तो आपके विशेष तौर पर लाभ के स्वामी हैं। लाभ का स्वामी जब अस्त हो जाता है ना तो थोड़ा दिक्कत दे देता, तो इसको उपाय करना पड़ेगा आपको। माँ सरस्वती जी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके से महा भगवती दुर्गा की पूजन करें, यज्ञ करें। सबसे श्रेष्ठ कर्म है संसार में यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, हम यज्ञ ही शून्य हो गए। हमारी संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति थी, जन्म से लेकर यज्ञ मृत्यु तक यज्ञ ही हमारे यहाँ सब कुछ बताया गया था, लेकिन आज समय के कालांतर में हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, यज्ञ हमने करने बंद कर दिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर सुंदर शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं, और ऐसे में अपने ग्रहों का जो अस्त प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए सुंदर गुप्त नवरात्रि सही समय पर आई हैं। इनका सानिध्य लेंगे तो आपके इन अस्त ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अशुभ नहीं होगा, नहीं तो बुध अस्त होने के कारण से आपके लिए ये मार्ग कहीं ना कहीं सब कुछ ग्रह ठीक होते हुए भी लाभ का स्वामी ही अस्त है, तो जब जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो लाभ ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। तो ऐसे में ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, हरी चीजों का दान करें, इस सबसे ग्रहों का परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं आप। 11 फरवरी को ग्रहों का युग दिखाता है कि द्वितीया तिथि रविवार का अवसर, और साथ साथ उस दिन बात करें तो बृहस्पति के विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का युग जो है मकर राशि में शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है, और शुक्र वहां पर जाकर आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय तृतीय भाव में मंगल के साथ विराजमान हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे अस्त, बिल्कुल सन्निकट आ जाएंगे सूर्य के, और शनि सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाएंगे। और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो चतुर्थ भाव में सुख के भाव में आकर शनि पूर्ण ताकत में थे, वो कहीं ना कहीं आपको सुख में तो वंचित करेंगे लेकिन जो आपकी विशेषतः पर कार्यों को पूर्ण करने में हिंडन उत्पन्न कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं लाभ मिल जाएगा। तो एक अच्छा एक खराब, सुख कम करेंगे, वाहन के सुख को कम करेंगे, माता के साथ कुछ ना कुछ क्लैश कराएंगे, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं विशेष तौर पर सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, सम्मान का भाव प्रशस्त कर सकते हैं। शनि का लोप हो जाना, अस्त हो जाना एक तरह शनि के प्रभाव को शून्य कर देगा, और हो सकता है आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। शनि आपके लग्न को देख रहे थे तो जिद्दी बना रहे थे, उसमें ही परिवर्तन का योग बनाएंगे, तो एक तरह से आपके लिए कई मामलों में अच्छा भी रहेगा। तो ऐसे में आप विशेष तौर पर भगवान की आराधना करें, सूर्य को जल दें, गेहूं का दान करें, ये सब उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं। 12 फरवरी को विशेष तौर पर तृतीया तिथि है, और साथ साथ सोमवार का अवसर, और मीन में चले जा रहे हैं चंद्रमा सुबह करीब 5:48 पर, और मीन में चंद्रमा का जाना आपके लिए राहु के साथ जो योग बनेगा ये बड़ा सुंदर योग बनेगा। राहु वहाँ पर आगे बुद्धि को खराब करने के योग बना रहे हैं, जो आपके लिए सही समय पर सही बुद्धि का लाभ नहीं देने दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का वहाँ परिवर्तन होकर जाना इस समय गोचर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा आपके लिए। इस दिन गौरी तृतीया है, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करने का अवसर है, माँ भगवती की
घंटा की आराधना करने, गुप्त नवरात्रि के योग चल रहे हैं तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती की आराधना करें, और यदि हो सके तो तिल के द्वारा हवन करें। तिल चतुर्थी का भी योग बन गया है, तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती की आराधना करते हुए तिल के द्वारा यदि मंत्रों से यज्ञ कर लें भगवती के देवी सूत के द्वारा तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 13 तारीख की हम बात करें तो उस दिन चतुर्थी का अवसर, मंगलवार का योग, ये दो योग का निर्माण कर रहा है। मंगलवार और चतुर्थी अंगारक योग का निर्माण करती है, और इस दिन संक्रांति भी है, सूर्य जो है वो कुंभ राशि में जाएंगे। तो ऐसे में ग्रहों का योग का प्रभाव समझ लीजिए, चतुर्थ में जाकर सूर्य जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वाहन के सुख, मकान के सुख में कहीं ना कहीं मकान खड़बड़ कर सकता है, वाहन में खर्चा अधिक हो सकता है, ये स्थिति ऐसी एक महीने तक आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको सूर्य का उपाय करने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं कई सारे सुखों में कहीं ना कहीं अंकुश उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। सूर्य वहाँ पर आकर पिता के जो है वो पुत्र के घर में जा रहे हैं, संसार के लिए भी विपुलकारी है। इस वक्त कई सारे युद्ध चल रहे हैं, और हो सकता है एक नया युद्ध भी आरंभ हो जाए, इन दोनों में आप देखने को मिले। प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं, इस प्रकार का योग में पश्चिम में तूफान इत्यादि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे भी योग विशेष तौर पर बन सकते हैं। वर्षा ऋतु थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकती है, और शनि के साथ जो सूर्य का योग बन रहा है, और बृहस्पति पर दृष्टि शनि की बढ़ रही थी वो लोप हो गए, तो ऐसे में ये ग्रह योग दिखाता है कि नेताओं के लिए बड़ा कष्टकारी हो सकता है। किसी नेता के ऊपर तो बहुत भारी योग बन सकते हैं जो ग्रहों के योग देखते हुए, तो ऐसे में जो बड़े राजनीति में दृष्टिकोण से उनको भी अपने ग्रहों को अच्छे से चेक कराते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी जो सुबह सूर्य उदय से पहले आरंभ हो जाएगी और शाम को 6:38 तक रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 14 तारीख की हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग दिखाता है कि बुधवार का अवसर और बसंत पंचमी का सुंदर योग है, श्री पंचमी का सुंदर योग है, ग्रह स्थिति परिवर्तन की तरफ जाएगी और ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी रहेगी। ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि वालों को, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, कभी सर्दी कभी गर्म, और ऐसे में हल्की सी कुथाई बढ़ती तो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बन सकते हैं। खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, आमदनी आने के योग भी बन रहे हैं साथ साथ, लेकिन खर्चे भी साथ साथ तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, पीले चावल का दान, बसंत पंचमी है आपके लिए अच्छा रहेगा, पीले हलवे का दान, केसर का दान, केसर का तिलक करना, ये सब उपाय करने से आपके लिए लाभ होगा। 15 फरवरी को यदि देखें षष्ठी तिथि शुक्रवार का अवसर, ग्रह थोड़े अभी भी भारी चल रहे हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप केसर का सेवन करें, हल्दी का तिलक करें, यह आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजन का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, उनके आशीर्वाद से आपको रास्ता मिलेगा, नया दिशा। बुद्धिमान व्यक्ति जो ज्ञानवान लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनका सानिध्य लेते हुए कार्य करें, अपनी बुद्धि पर थोड़ा कम विश्वास करें, वो आपके गलत रास्ते में फंसा सकती है। तो एक विचार को अच्छे से 2-4 लोगों से, बुद्धिमान लोगों से विचार करने के उपरांत क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। 16 फरवरी को ग्रहों योग दिखाता है कि सप्तमी तिथि शुक्रवार का अवसर और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, और उस दिन विशेष तौर पर सूर्य जो अशुभ योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का दिवस है। क्यों? क्योंकि उस दिन भानु सप्तमी है, रथ सप्तमी है, आरोग्य सप्तमी है, सूर्य का जन्म दिवस है। सुबह सुबह सूर्य को स्नान करने के उपरांत अर्घ दें, हो सके तो चावल और उड़द का दान करें, गर्म वस्त्रों का दान करें, सूर्य के निमित्त विशेष तौर पर अर्घ देना, उनके मंत्र का जप करना, ये सब चीज़ें कल्याणकारी रहेंगी, आपके लिए लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते योग बनाएंगी। 17 फरवरी को ग्रह योग समझें तो विशेष तौर पर उस दिन अष्टमी तिथि है और शनिवार का अवसर है, दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, तो ऐसे में भगवती दुर्गा का विशेष तौर पर विशेष यज्ञ करने का प्रयास करें। कई योग बन गए हैं इस दिन, देखिए 17 तारीख, 8 अष्टमी तिथि, दुर्गा अष्टमी का योग, सब शनि और लाइन से शनि, 8 नंबर भी शनि का है और शास्त्रों में दिन भी शनि का है, दुर्गा अष्टमी का योग है तो शनि को प्रसन्न करने का दिवस। शनि इस वक्त कमज़ोर हो गए हैं आपकी राशि के अनुसार, सुख देने वाले हैं और वो कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए माँ भगवती दुर्गा का विशेष तौर पर स्तवन करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये सब शुभ रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्य आरंभ करने के लिए सुबह 8:46 से योग बनेगा जो अगले दिन तक विद्यमान रहेगा। 18 तारीख को बड़ा सुंदर अवसर है, गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है, ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर यज्ञ भी रखा है जो सुबह 7 से आरंभ होगा, पूजन के साथ 8 यज्ञ होगा और उसके बाद 11 पूर्णाहुति होगी। आप सब लोग माँ भगवती के सानिध्य में होने वाले इस यज्ञ का सादर आमंत्रित हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर यज्ञ का, भंडारे का सुंदर आयोजन है। माँ दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण सहस्त्र चंडी का यज्ञ चल रहा था जो वो पूर्णाहुति पे रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर अपने लिए लाभ के योग बना सकते हैं। ग्रहों की स्थिति हमने आपको समझाने का प्रयास किया और वो विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ है। बृहस्पति जो विशेष तौर से शनि की दृष्टि से बाहर आ गए हैं, ये थोड़ा सा कहीं कष्ट देने के योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, लेकिन चंद्रमा प्रशस्त हो गए हैं, नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं और वो आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं, तो ऐसे नए विचारों के साथ कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
19 फरवरी को और 20 फरवरी को ग्रह समझें कि उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग आपके लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। मन थोड़ा सा उच्चाट हो सकता है, मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। ग्रह दिखा रहे हैं चंद्रमा शीर्ण अवस्था में है। बुध भी विशेष तौर पर परिवर्तित होते हुए कुंभ राशि में चले जाएंगे और वो अवस्था थोड़ी सी शीर्ण रहेगी। ऐसे में लगातार बुध के निमित्त उपाय करें। ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः मंत्र जप करें। सोमवार का अवसर है, कोशिशें करें गाय के निमित्त पालक इत्यादि का दान करें। मूंग भिगोकर विशेष तौर पर गाय को खिलाएं। ये सब उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं। ग्रह थोड़ा सा क्षीण अवस्था में चल रहे हैं, इन सबको समझते हुए कार्य करें। 20 फरवरी को विशेष तौर पर एकादशी है, जया एकादशी का सुंदर युग पड़ रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु पर तुलसी दल अर्पित करने से बुध ग्रह को प्रशस्त प्राप्त होगा। भगवान विष्णु का नित्य प्रति पूजन कर उनका चरणामृत ग्रहण करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। मस्तिष्क को चंद्रमा को भी ठीक करेगा, बुध को भी ठीक करेगा भगवान की कृपा से। तो विशेष तौर पर सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शालिग्राम पर चरणामृत अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। ईश्वर की कृपा से कल्याण होगा। ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में खेल खेल रहा है, इन सब को एनालाइज करने के लिए हम एक छोटे से तरीके से यानी राशि के हिसाब से आपके समक्ष संपूर्ण रूप से दिन पर दिन क्या आप ग्रहों का योगा योग रहेगा बताने का प्रयास करते हैं। और आप सबको भी इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए राशि तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा भी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत होती है कि जन्मपत्री में राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, नवांश में किस प्रकार के ग्रह योगा योग बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को यदि सही समझ लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने जीवन में किस प्रकार से समय आपको कहाँ ले जा रहा है वो अच्छे समझ सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस बात पर भ्रांति में रहते हैं कि राशि तो जनरल है। जी हाँ, राशि तो जनरल है, लेकिन फिर भी उसी 12 राशियों में तो पूरा संसार विभाजित है और उन 12 कैटेगरीज में हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं ओवरऑल बड़े ब्रॉडर वे में। माइन्यूट सटल तो जितना ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे वो उतना ज़्यादा गहरे उतरेंगे, तो उतना लाभ तो होगा ही होगा, वो तो एक डेफिनेट बात है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से राशि भी बहुत काम करती है। यदि कोई समस्या लगातार चल रही है तो चिंता ना करें, उसके लिए वृहद रूप से ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का आप प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से हम समय समय पर बहुत सारी गणनाएँ आपकी राशि के अनुसार से बताते ही हैं। लेकिन यदि गहन चिंतन कर यदि बहुत सुंदर तरीके से जीवन की कोई समस्या है उसका निदान निकल ही नहीं रहा है तो देव कृपा से भगवान की उपासना से उन सब चीज़ों का रास्ता निकल जाता है। हमने वृहद रूप से देखा है यदि समय बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है, मुकदमे शांति नहीं हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा जी की विभिन्न मंत्रों का अनुष्ठान यदि किया जाए उससे परिवर्तन के योग बनते हैं। बगलामुखी जी का अनुष्ठान, महाकाली जी के अनुष्ठान बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है शायद अनुष्ठान पूजा पाठ जो है अरे बिल्कुल परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। उपाय है ना, रेमेडियल एस्पेक्ट तो यही है। और मंत्र से वातावरण बनता है और उस वातावरण के द्वारा नेगेटिव चीज़ जो है पॉजिटिव में परिवर्तित होने के सुंदर संकल्प के साथ रास्ता बनता है। तो शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के वो बिल्कुल सत्य है। और हमारे आश्रम पे तो पिछले कितने सालों से नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और हमने उन सब विधानों को समझा करा। जब शत्रु लगातार परेशान कर रहा हो, रास्ता नहीं बन रहा हो, तो उन प्रयोगों को कर चाहे वो महाकाली के प्रयोग हैं, बगलामुखी जी के प्रयोग हैं, अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। देखिए देर है, अंधेर नहीं है, ये सत्य मान लीजिए। शास्त्र के अंदर इस बात को प्रमाणित किया गया है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आए, कृष्ण भगवान के, राम के, संपूर्ण रूप से साक्षात शंभु के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान विष्णु के जीवन में भी कष्ट आए। यदि उनकी कथाओं को समझें तो कष्ट आना एक वास्तविक तौर पर संसार का क्रम है, आए। लेकिन आप पुरुषार्थ के साथ, बुद्धि के साथ 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 माँ भगवती की कृपा से, संसार में पराशक्तियों की कृपा से उन कष्टों को भगा दें, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। विडंबनाएं बहुत हैं, बहुत सारे लोग विडंबनाएं डाल सकते हैं मन में कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता, सब कुछ होता है संसार में। कुछ भी संसार में असत्य नहीं है, कर्म प्रधान विश्व रचना का। तो इसलिए आप सिद्धांतिक तौर पे इन समस्त रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम आज सदगुरु आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में जो हमने कार्य किए हैं और बहुत सारे विभिन्न शोध कार्य किए हैं, आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है, बहुत सारी पुस्तकों का की रचना, ग्रंथों की रचना आश्रम के द्वारा हम सबके द्वारा की गई है। आप सब आश्रम का में आए, हर रविवार को एक बहुत विशाल यज्ञ, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता ही है लेकिन रविवार को एक सामूहिक कार्यक्रम हम आश्रम पे करते हैं जो करीब करीब सुबह 7:30-8 बजे से आरंभ होता है और भंडारे के साथ 11 बजे तक चलता है। उसमें यज्ञ, संकीर्तन, उपदेश, रामायण का स्वाध्याय, जो पिछले करीब करीब स्वाध्याय तो करीब 8-10 साल से चली रहा है और बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का एक जनमानस के लिए किस प्रकार से उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए उसका भी सुंदर कार्य किया जा रहा है।
आप आइए विवेकानंद योग आश्रम में, बहुत सुंदर गौशाला का सुंदर हमने की व्यवस्था करी है, भंडारे के सुंदर कार्यक्रम रहते हैं और बहुत सारे कार्य, विवेकानंद हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के संबंध में अद्भुत चिकित्साएं पूरे विश्व को दी जा रही हैं, भारत सरकार के पैनल पे है हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे है और बहुत सारे लोग अपने विभिन्न बीमारियों के लिए भी इस हमारे संस्थान का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो हृदय रोग है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज हैं, डायबिटीज़ हैं, और योग इत्यादि के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा वास्तविक तौर पर लाभ होता है और हम सब उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम की जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और यदि जन्मपत्री के संबंध में कोई विचार विमर्श करना है तो बिल्कुल उसके लिए भी संपूर्ण व्यवस्थाएं विवेकानंद योगाश्रम में दी गई हैं, आप फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।